सब्सक्राइब कीजिए रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और घंटी को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको सरकारी भर्तियों, रोजगार समाचार, न्यूज और ताजा अपडेट की जानकारी मिल सके। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप देख सकते हैं जो राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से वित्तीय सहायता, किसानों के कर्ज माफ, बेरोजगार युवाओं के लिए आर्थिक मदद के लिए जो वित्तीय सहायता मांगी उसके बारे में आप देखिए। इस लेटेस्ट न्यूज, हाल की जो लेटेस्ट न्यूज है दोस्तों, आप देख सकते हैं 6 फरवरी 2019 की ये लेटेस्ट न्यूज, आप खुद जाके विधिपूर्वक चेक कर सकते हैं। इसमें आप देखिए प्रधानमंत्री से की मुलाकात, रखी अपनी मांगे, रिफाइनरी मेमू कोच व किसानों की मदद के लिए केंद्र से अशोक गहलोत जी ने मदद मांगी है। तो उन्होंने, आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उन्होंने बाड़मेर रिफाइनरी का काम समयबद्ध तरीके से कराने का अनुरोध किया और किसानों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए जो वित्तीय सहायता की कमी की, जो केंद्र सरकार से मदद मांगी और उन्होंने अनुरोध किया कि लिखकर वे देख के आए और राज्य सरकार इसके लिए संकल्पबद्ध है, कृपया इसे आगे बढ़ाए। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। रिफाइनरी के काम में वसुंधरा राजे ने आरोप लगाया कि तेल हमारा, पानी हमारा, फिर भी 26% की हिस्सेदारी क्यों। गहलोत ने कहा, यहाँ देख सकते हैं कि बताया जाए फिर पिछली सरकार ने 26% हिस्सा क्यों रखा। गहलोत ने राज्य की अधूरी रेल लाइनों और किसानों के साथ ही बहुत सारी योजनाओं के लिए जो राज्य में जो बजट की कमी है, जो वित्तीय सहायता के लिए मोदी से वित्तीय सहायता मांगी और इसके साथ आप देख सकते हैं वे सभी किसान भाई जिन्होंने किसी भी बैंक से कर्ज ले रखा है वो ऋण माफ़ी का जो इंतज़ार कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। कल से 7 से 9 फरवरी तक हर ज़िले में 5-5 शिविर लगेंगे दोस्तों। इन शिविरों में किसान ऋण माफ़ी के लिए जो इसके लिए पात्र और अपात्र की सूची जारी की जाएगी और जिन किसानों ने कर्ज ले रखा है वो इसे जो शिविर लगेंगे उनमें भाग ले सकते हैं। आप देख सकते हैं राज्य के समस्त 33 जिलों में 7 फरवरी से, सभी जो राजस्थान के 33 जिले हैं उनमें 7 फरवरी से 9 फरवरी तक राजस्थान सहकारी फसली ऋण माफ़ी योजना 2019 के तहत ऋण माफ़ी शिविरों का आयोजन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इनमें किसान भाई जो शिविर होंगे अपने ज़िले में, हर ज़िले में 5-5 लगेंगे, वहाँ शामिल हो सकते हैं और अपने जो आपने जो कर्ज लिया उसके बारे में यहाँ विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं, आपको विस्तृत जानकारी वहाँ मिलेगी। और इसके साथ आप देख सकते हैं कर्ज माफी के साथ काम होंगे। ये जो उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की जो बयान दिया उनके बारे में आप देखिए, एक कार्यक्रम ने एक छात्रा ने सवाल किया कि क्या किसानों के लिए कर्ज माफी ही एक उपाय है। तो आप देखिए इस पर सचिन पायलट जी ने कहा कि अभी किसानों की स्थिति बेहद विकट है, वे आत्महत्या कर रहे हैं, इसलिए कर्ज माफ़ी की गई है, किसान आसानी से बाज़ार तक फसल पहुंचा सके, एमएसपी पर जो खरीद प्रक्रिया और मंडी तक बाज़ार में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए ये किसानों की कर्ज माफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, किसानों की कर्ज माफ़ी और इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं को मदद के लिए जो राज्य सरकार के पास वित्तीय सहायता की कमी है उसको पूरी करने के लिए अशोक गहलोत जी ने केंद्र सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से इसके बारे में बातचीत की और उन्हें वित्तीय मदद मांगी। आप देख सकते हैं गहलोत ने मोदी से मांगी वित्तीय मदद। तो साथियों, इसी प्रकार जो भी आपके हित में लेटेस्ट ताज़ा जानकारी है उनकी सूचना हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाल रंग के सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। और दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कल से 7 फरवरी से 9 फरवरी तक हर ज़िले में 5-5 शिविर लगाए जाएंगे किसान कर्ज माफ़ी के बारे में, इसलिए आप उन शिविरों में उपस्थित हों। धन्यवाद।